नमस्ते, मैं हूं देव दृष्टिकोण प्रोडक्शन से और आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी रिवर्ब की, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिले की। और फिर हम देखेंगे कि रिवर्ब और डिले किस तरह से आपके गाने में मैजिक क्रिएट करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं मैं कोशिश करता हूं कमेंट सेक्शन में उनका रिप्लाई करूं। हो सकता है कुछ मिस भी हो जाती हूं, सो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सर्च कीजिए देव नेक्स्ट लेवल, मैं वहां भी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अपने स्टूडियो सेशंस, रिकॉर्डिंग्स, वीडियो शूट्स भी मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहता हूं। आई होप उनसे भी आपको कुछ हेल्प मिलेगी। हम यहां जाते हैं, यह है फेसबुक, या आप सर्च कर सकते हैं देव नेक्स्ट लेवल, ये मेरा ऑफिशियल पेज है। यूट्यूब देव म्यूजिक सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी देव नेक्स्ट लेवल, और साउंड क्लाउड पे भी देव नेक्स्ट लेवल आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक डिले। मान लीजिए आप पहाड़ों में खड़े हैं और आप वहां पर जोर से चिल्लाते हैं हेलो 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 हेलो। एक हेलो के पीछे जो ये हल्की 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 जो चीजें आती हैं, हम बोलते हैं ये एको हो रही है। टेक्निकली वो एको नहीं है, वो क्या चीज है? रिवर्ब और डिले का मिश्रण। आइए देखते हैं किस तरह से। यहां पर एक म्यूजिक पैटर्न बना हुआ है, चलिए हम इसे पहले सुनते हैं। यहां लगाई है मैंने कॉर्ड प्रोग्रेशन, कॉर्ड्स के बारे में हम आगे जाके जरूर सीखेंगे। बाहर आते हैं, ये वही राइजर व्हाइट नॉइज वाला, अपलिफ्ट करते हुए साथ में मैंने लगा दिया है एक, ये वैसे तो ऐसा था, रिवर्स कर दिया तो उसका इंपैक्ट कुछ इस तरह से आएगा। फिर लगाई मैंने किक और मेरा स्नेयर, उसके बाद मैंने यहां से उठाया, शायद यही था, ये हाईलाइट हो रखा है, लेकिन मैंने यहां से इसकी पिच थोड़ी डाउन करके उसकी ट्यूनिंग मैच की ऊपर वाले स्केल के हिसाब से। वो स्केल क्या है आप प्रैक्टिस कर करके ही आना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था हाउ टू फाइंड द की, उसी हिसाब से की आप हम कर करके, हमिंग कर करके आप देखेंगे मेरे गाने का स्केल क्या है, उस हिसाब से मैंने इसकी पिच हिला के सेट कर दिया यहाँ पर। फिर कुछ बेस लाइन लगा दी है और थोड़े इफेक्ट यहाँ लगा दिए हैं, जो भी कोई सिंथ लिया होगा। तीन नंबर में यहाँ से देखते हैं कौन कौन से मैंने सिंथ लिए हैं। एक मैंने लिया है ये हार्मलेस, एक लिया है मैंने हार्मर, ठीक है, और 3x ऑसिलेटर, दैट्स इट। अब हम सारी साउंड्स को भूल जाएंगे, सबसे पहले हम याद करेंगे इस चीज को, ये जो बज रहा है। डबल क्लिक किया, किसी भी नंबर में गए, 25 में चले गए, चलिए यहां क्लिक किया और यहां हम ढूंढेंगे फ्रूटी डिले 2। डिले 1 भी है बट हम 2 लेंगे क्योंकि अभी यही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। चलिए ये हो गया मेरा फ्रूटी डिले 2। अभी मैंने कुछ भी नॉब नहीं छेड़ी है, देखते हैं डिफॉल्ट वो क्या काम करती है। वाह, ये तो वही बात हो गई जो पहाड़ों में आवाज़ गूंजने वाली मैं चीज़ बता रहा था। वापस यहाँ जाते हैं, इसको खोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे रिवर्ब को हम यहाँ ओवरऑल उसका वेट और ड्राई सेट कर सकते थे, कोई भी इफेक्ट इनमें से हम कुछ भी यहाँ पर जब सिलेक्ट करेंगे तो ओवरऑल उसका मिक्स लेवल कितना है हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किस तरह से, इसे मैंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, फुल बढ़ा दिया, ये मेरा मिक्स लेवल है। इसे हमने खोला और यहां पर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा
टाइम। इस नॉब के ऊपर हम जाते हैं टाइम, क्योंकि ये बताएगा आपके डिले की टाइमिंग आपके टेम्पो के हिसाब से क्या होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूँ, अगर हम हेलो वर्ड ही लें तो हेलो 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 हेलो, या फिर हेलो 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 हेलो, या फिर हेलो 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 हेलो। तो सेम टेम्पो के ऊपर अलग अलग टाइमिंग कैसे हो सकती है। राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ आया मैं सेट, सेट में आया मैं वन स्टेप। प्ले करते हैं, ये मेरी साउंड है। राइट क्लिक किया, सेट किया, इस पर मैंने कर दिया चलिए तीन, देखते हैं थ्री स्टेप्स। राइट क्लिक, सेट किया फोर। तो ये तो है मेरी टाइमिंग। टाइमिंग के बाद हम आते हैं सीधा फीडबैक के ऊपर। अब फीडबैक क्या चीज है, मेरी एक ड्राई साउंड आ रही है, डिले के अंदर आई और बाहर निकली वेट, टोटल हो गई मेरी दो साउंड, हेलो हेलो, आजा आजा, कैसे हो कैसे हो। लेकिन अगर मैं उसकी फीडबैक बढ़ा देता हूँ तो फिर वो आगे आगे उसकी रिपीटिशन होनी शुरू हो जाती है, हेलो हेलो हेलो, आजा आजा आजा। तो ये मेरी फीडबैक का वॉल्यूम है। मैंने इसे बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, बंद कर दिया, एक ड्राई आएगी और एक वेट आएगी। थोड़ा सा फीडबैक बढ़ाया, अगर मैं फीडबैक को फुल कर दूं तो क्या होगा, इनफाइनाइट लूप। स्टॉप। तो एक बार वो उसको कॉल करता है और रेपिटिशन चलती रहती है चलती रहती है। तो मैं अपने टेस्ट के हिसाब से, गाने के हिसाब से इसको सेट करूंगा, देखते हैं किस तरह से। मुझे ये टाइमिंग भी पसंद नहीं आई, चेंज करके देखते हैं तीन। इसको अगर मैं यहां ले जाऊं, हम हाथ से भी कर सकते हैं। ये बढ़िया जा रहा है। थोड़ा सा किया मैंने फीडबैक कम, या फिर आप यहां से भी ओवरऑल उसका मिक्स वगैरह कम ज्यादा कर सकते हैं अपने गाने के टेस्ट के हिसाब से। ये है मेरी ऑफसेट नॉब। अगर मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ, आप यहाँ हिंट पैनल में देखेंगे वो क्या लिखा है, टाइम स्टीरियो ऑफसेट। अब ये स्टीरियो और मोनो क्या है ये भी मैं आगे जाके बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको एज अ लेमैन बता दूं, मैंने इसको कुछ ms राइट किया या कुछ ms लेफ्ट किया। आप वहाँ देख सकते हैं कुछ मिली सेकेंड मैं राइट कर रहा हूँ या लेफ्ट कर रहा हूँ। इधर देखेंगे मैंने कर दिया थोड़ा सा, बहुत थोड़ा, सिर्फ 4-5 ms राइट में, तो क्या हो। आप देख रहे हैं मोनो मेरा सिंगल था, वो साउंड चल रही थी, ए, 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 जो उसकी डिले है वो एक स्पीकर में आ रही है, थोड़ी सी पैनिंग वाला इफेक्ट कह सकते हैं, वैसे वो स्टीरियो इफेक्ट है। टेक्निकली वो क्या चीज़ है मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, फिलहाल हम इसे सेंटर में ही रखते हैं। यूं पकड़ के सेंटर करने की जगह सिंपल राइट क्लिक रीसेट। चलिए ये मेरी चीज़ हो गई है। अब मैं आता हूँ इस सेक्शन के ऊपर, एकदम ड्राई है, अच्छी फील नहीं दे रहा। इस पर क्लिक किया, 40 नंबर में है, ठीक है मैं 40 पे गया। ये है किधर है, चलिए 40, यहाँ क्लिक किया, यहाँ से मैं आया डीले 2। ठीक है, आई थिंक ये 3 लगी हुई है तो 3 ही रखते हैं। मैंने इसका ये कम किया ही नहीं है, मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं छेड़ा है, इसे बंद कर दिया है। ये मेरा ड्राई लेवल है, आप कम ज़्यादा करके इसे देख सकते हैं। मैंने क्या किया, सिर्फ उसकी टाइमिंग सेट की है और यहाँ से मैं ओवरऑल उसका मिक्स देखूँगा।
और कम। ग्रेट। अब यहां मैंने क्लिक किया और साथ ही मैंने एक ले लिया रिवर्ब। याद रखिए ये जो हम इफेक्ट लेते जाते हैं ये ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगते हैं, मतलब मेरे पहले ड्राई साउंड आएगी, उसके ऊपर पहले डिले लगेगा, फिर रिवर्ब लगेगा, फिर यहाँ मैं कोई भी इफेक्ट लूँगा फिर वो लगेगा, फिर वो लगेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि पहले रिवर्ब लगे, फिर कोई इफेक्ट लगे, फिर डिले लगे, तो आपको उस अकॉर्डिंगली उस हिसाब से लेना पड़ेगा। फिलहाल मैंने वैसे ही ले लिया है, रिवर्ब लगाया है, पहले रिवर्ब ऑफ करके सुनते हैं। रिवर्ब ऑन, थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ गया है। यहां राइट क्लिक किया, वही वेन्यू वाला, अब ये कुछ ज्यादा ही वेट होगा, सुनते हैं। आप देख रहे हैं एक अच्छा फ्लेवर आ गया है, मैंने इसका भी थोड़ा सा कम किया। अब ओवरऑल सुन के देखते हैं, ये भी बहुत ड्राई है। इस पर क्लिक किया, एक नंबर में चल रहा है, इसे पकड़ा, 16 नंबर में डाला, पर्टिकुलर 16 नहीं, जिसमें भी आपका मन हो, इस पर क्लिक किया, यहां से मैं गया रिवर्ब, बड़ा वेन्यू, बंद किया, बिल्कुल बंद किया, थोड़ी सी मैं इसकी डिले जो है शुरू की हल्की सी और बढ़ाता हूं। ये जो मेरी साउंड है हल्की सी से बढ़ाया, 15 में गए, यहां गए, फिर से लिया रिवर्ब, वही वाला लेके देखते हैं, अच्छी डिले दे रहा है, बहुत अच्छी डीके, सॉरी डिले नहीं, और मैं इसे हल्का सा कम करता हूं। अब सुनते हैं, गाना खत्म होता है, आप देख रहे हैं उसका एनवायरनमेंट, उसकी डिके, एक अच्छी सी फिनिशिंग आती है कि हाँ मेरा गाना खत्म हो रहा है। तो सिर्फ रिवर्ब और डिले अलग अलग साउंड्स पे रिक्वायर्ड अगर आप लगाते हैं तो एक बहुत ही अच्छी टोनैलिटी, बहुत ही अच्छी फेक फील आनी शुरू हो जाती है, आपका गाना बहुत ही ड्राई होता है और सीधा ही आप देखते हैं हाँ कुछ मैजिकल सा हो गया है। मैं वापस इसे अगर ड्राई करूँगा तो आपको पता लगेगा हाँ कितना डिफरेंस आ गया है। फोर्टी में था, अब सुनिए, तो इस तरह से रिवर्ब और डिले अलग अलग हम साउंड्स के ऊपर लगाते हैं, वोकल्स के ऊपर लगाते हैं, स्नेयर के ऊपर लगा सकते हैं, आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 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 हम इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, जो जो इफेक्ट में सीखते जा रहे हैं ये आगे हम अलग अलग साउंड्स के ऊपर लगाते जाएंगे और देखते जाएंगे किस तरह से ये फ्लेवर चेंज करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम किसी और इफेक्ट या किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक देव फ्रॉम दृष्टिकोण प्रोडक्शंस साइनिंग आउट, नमस्ते।